सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आज राजपुरा के SG मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पत्रकार एसोसिएशन राजपुरा की ओर से मरीजों के लिए मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप की शुरुआत हल्का राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज के सपुत्र सरदार निर्भय सिंह मिल्टी व विशेष मेहमान ब्लॉक कांग्रेस प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री व लोक भलाई ट्रस्ट के चेयरमैन व सीनियर कांग्रेसी नेता श्री जगदीश कुमार जग्गा ने अपने कर कमलों से की। इस कैंप में भारी संख्या में पहुंचे मरीजों की जांच डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर राकेश गौतम, डॉक्टर सन्नी नारंग व डॉक्टर अंकुर मल्होत्रा द्वारा बड़े ही अच्छे ढंग से की गई। इस कैंप में आए हुए मरीजों को मुफ्त दवाइयां मौके पर ही गुरु नानक मेडिकोस व बालाजी मेडिकोस द्वारा दी गई। इस मौके पर इस कैंप में पहुंचे मुख्य मेहमान सरदार निर्भय सिंह मिल्टी ने जहां पत्रकारों से बात करते हुए पत्रकार एसोसिएशन द्वारा लगाए गए इस कैंप की सराहना की, वहीं विशेष मेहमान श्री नरेंद्र शास्त्री व जगदीश कुमार जग्गा ने भी अपनी ओर से ऐसे कैंपों के लिए हर संभव सहयोग देने की बात करते हुए कहा कि बहुत ही शलाघायोग्य कदम पत्रकार एसोसिएशन राजपुरा वालों समुची टीम वालों जो किया गया और लोगों लिए बड़ा बेनीफिशियल है। मैं देख रहा समुचे इलाके चो काफ़ी वही तादाद छोटे बच्चे बुजुर्ग महिलावान इस मेडिकल कैंप का लाहा चक रहे हैं और मैं परमात्मा के चरणों यही अरदास कराँगा परमात्मा इस समुची एसोसीएशन के मैंबर साहबान होर बल बख्शे ताकि यह लोग भलाई के काम होर बच चढ़ के आवन इस जो मेडिकल कैंप लगाया गया है बहुत ही एक चंगा उपराला है। ये समाज के उन्होंने मदद मिलती है जेडे बड़िया फीसा दे के डॉक्टर को नहीं जा पाते घटो घट उन्होंने ये पता लग जाता कि वो ठीक हैं या उन्होंने कोई तकलीफ ऐसी है कि जिदा इलाज होना जरूरी है। अदा ही मैं अजय सजेशन दिती है जेकर कोई ऐसा मरीज कोई ऐसा बच्चा कोई ऐसी लेडी या कोई बुजुर्ग जिसे कोई ऐसी बीमारी ट्रेस होंगी है जिसको लंबे इलाज जरूरत हैगी है तो मैं चाहना कि उस संबंधित जोड़ा है वह प्रबंध भी आप सारे दल मिल के करिए ताकि जे उस बीमारी पता लग जाए उसका इलाज भी करा पाए ना कि पता लगन के बाद वो को पैसे ना हो तो बेचारा सगों वहम कोली जरा होर ज़्यादा लंघ हो इस करके मैं सुझाव दिता और मैं पूरी साहब ने इस गल का भरोसा दवाया कि जे कोई ऐसी ऐसा मरीज सू ट्रेस हों तो असं इलाज जोड़ा है रल मिल के करावा। एसोसीएशन ने जिहड़ा अज शहीदा की याद में मैडिकल कैंप लाया बहुत शलाघायोग कदम है कदम चुके इन्होंने तो मैं इन्हों विश्वास दवाना जो भी मेरी इन्हों लोड़ हो धनवान धन मैं इन्होंने नाल हाँ। पत्रकार एसोसिएशन द्वारा लगाए गए इस कैंप में जहां एसोसिएशन के प्रधान श्री पवन मुखेजा व जनरल सेक्रेटरी श्री के पुरी ने इस कैंप के बारे में हमें जानकारी दी, वहीं इस कैंप में पहुंचे शहर के गणमान्य लोगों ने भी पत्रकार एसोसिएशन द्वारा लगाए गए इस कैंप की सराहना करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखो जेड़ा साडा काम पत्रकारी करना समाज विच जो भी गलबात होती है पत्रकार लिख के समाज तक पहुंचांदा तो साड़ी एक ड्यूटी है कि असी समाज तक जो गल्लां पहुँचाने तो समाज कुछ काम भी करिए। जिहड़ा अजोके समय में महंगाई का युग है तो कई बार देखने चाहिए जिमें स्टेज शास्त्री ने दसिया भी कई लोग यह जो होंगे ने कि जिन्हों जो जरूरत होंगी है दवाइया की या चैकअप की असी समाज अंग होने के नाते असी एक कोशिश की है भी वो तो लोगों इस चीज़ का फायदा हो जी। एक कोशिश है इस कोशिश को सफल करने के लिए पुरी साहब जनरल सैकटरी और चेयरमैन साहब चावला जी का बहुत वाडा सहयोग है तो इन्होंने दिल्ली इच्छा कि आने वाले टाइम के असी इस तो वह समाज सेवा के काम करिए कि समाज में भी लगे कि जो पत्रकार ने उस पत्रकार ही नहीं करते समाज सेवा के काम में ही वध चढ़ के हिस्सा लेंगे ने और यह जड़ा अज शुरुआत हुई है ये साडा एक शुरुआत है तो इस शुरुआत में असं अगे बतावे ता कि जड़ा समाज के अपने इस पत्रकार भरावान का पुत्र या जो साडे पत्रकार भरा ने या असी हाँ या कुछ जोड़े भी है वो तो समाज के लोगों को चीज़ का फायदा ठीक है। चावला जी की अगुवाई काफ़ी दिनों तो चल रहा है कि एक फ्री मेडिकल चैकअप कैंप लगाया जाए तो अज वो कैंप लगाने चावला जी का जिन्ना सहयोग है तो पवन मुखेजा जी का जिदा अज सुझाव आए ने शास्त्री जी का सुझाव आया
अगे उन्होंने चीजों से भी गौर करा तो मीडिया का जो सू सहयोग मिले मैं वो संदीप जी का सारे मीडिया का प्रदीप जी का सारे दर्जगी से ना ना लवान नाज ना हो जो मीडिया नाज जल्दी हो जाता है तो मैं धन्यवाद करता बन सके। हाँ जी और बाकी उन्होंने सारी जी टीम है मैं उन्होंने बहुत मुबारकबाद देना जरा उन्होंने एक बहुत सोशल काम किया है जरा खूनदान कैंप लगा के गरीबों वास्ते आम जनता की वास्ते जी रिक्वायरमेंट है काफ़ी रही है वो वास्ते इन्होंने बहुत बड़ा उपराला किया मैं इन्होंने बहुत बहुत बधाई देना। पत्रकार एसोसीएशन राजपुरा वालों लगाए हुए फ्री मेडिकल चैकअप कैंप जिस शहर के मशहूर डॉक्टर दंदा के डॉक्टर बच्चों के डॉक्टर हड्डियों के डॉक्टर पहुंचे हैं जिन्होंने कि फ्री दवाइया भी देनिया फ्री चैकअप करना है मैं इन्होंने बहुत शलाघा करता हाँ इन्होंने बहुत शलाघा योग कदम चुकया है हर साल कदम चुकते हैं परमात्मा इन्हों इन्नी ताकत बख्शे कि हर गरीब बंदे की सेवा करते रहन तो इन्होंने शब्दों का मैं माफी मांगता देख के बड़ी खुशी हुई है कितना उपरा एसोसीएशन ने किया है इस गरीब वर्ग में बहुत सारा फायदा होगा जिहड़े बेचारे दवाइया के खर्च नहीं कर सकते उन्होंने वास्ते बहुत ही अच्छा उपरा किया है और मैं आस करता हमेशा इसी तरह ही समाज के भलाई के काम करते रहो मेरी शुभकामना है मेरे लिए कोई भी सेवा किसी किस्म की होगी। मैं बहुत ही खुशी का इजहार करता अच कि पत्रकार साथी साढ़े जड़े हैं पत्रकार एसोसीएशन के वो सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं कर रहे बल्कि समाज के जरूरतमंद लोगों की हमेशा सेवा वास्ते तत्पर रहते हैं चाहे ये तो अच्छ मेडिकल कैंप लगे ना वैसे भी किसी को किताबा देनिया हो किसी को कापियां देनिया हो किसी की कोई होर मदद करनी हो पत्रकार एसोसीएशन जी हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लै रही है समाज के कामों के अज जरा सब तो वधिया काम देखने मिले कि जोड़े मरीज है जोड़े रोगी है इतने दिखाने वास्ते आए हैं उन्होंने इंतजार ना करानी पवे कि वो चीफ गेस्ट साहब आ रहे हैं या गेस्ट ऑफ ऑनर आ रहे हैं 8:30 इन्होंने अपना कैंप शुरू कराता डॉक्टर भी हाजिर हो गए मरीजों मुफ्त चैकअप भी किया गया मुफ्त दवाइया भी दी गई मुफ्त उन्होंने मेडिकल जो टेस्ट है वह भी करवाए गए चाहे वह शुगर है चाहे बीपी है चाहे ECG है। मैं पत्रकार एसोसीएशन को यह उम्मीद करता कि अगे तो भी ये बल चढ़ के इस समाज के कल्याण के कामों हिस्सा लेंगे जो साडा सहयोग बनता है असं उन्होंने मोढ़े दिन मोढ़ा रखे अगर चलो कहना चाहोगे पत्रकार एसोसीएशन वालों जोड़ा कैंप लाया गया पत्रकार एसोसीएशन ने मेडिकल कैंप ला के बहुत ही शलाघायोग जोड़ा ये काम कर ये जोड़े हैं बड़े सारे गरीब लोगों जोड़े अपना समय सिर इलाज नहीं करा सकते ते टेस्ट नहीं करा सकते इन्होंने टेस्टा की सुविधा फ्री करके अते इलाज की सुविधा फ्री करके काफ़ी गरीबों यदा फायदा होया है। मैं परमात्मा अगर अरदास करता कि जिन्होंने भी योजा काम करे तो जिन्होंने इन्हों साथ दिता है परमात्मा उन्होंने होर इन्हों मान बख्शे इन्हों होर बल दे ताकि ये अगे तो भी होर भी समाज के भलाई के लिए बड़े वधिया तो वधिया काम करते जिहड़ा ये कैंप पत्रकार एसोसीएशन वालों SD मॉडल स्कूल लगाया गया है बहुत ही शलाघायोग कदम है कि इन्होंने अपने अनाउंसमेंट करा के जेड़े भी मरीजों का इतने चैकअप कैंप लगाया है तो उन्होंने दवाइया भी दिखाई गई एक बहुत ही शलाघायोग कदम है। मैं परमात्मा अगे अरदास करदा कि इन्हों होर बल बख्शे तो अगे ये होर भी वध चढ़ के समाज भलाई के कामों में हिस्सा लैन पत्रकार पहले तो मैं पत्रकार एसोसीएशन को बहुत बहुत मुबारक दिना जिन्होंने जो कैंप का ये बहुत बड़ा उपराला है तो थोड़े परिवार वालों मेरे वालों गुरु नानक मेडिकल बालाजी मेडिकल चंडीगढ़ लैबोरेटरी एंड डायग्नोसिस सेंटर वालों असी जेडे इन्हों पत्रकार एसोसीएशन को जड़ी दवाइया असी डोनेट करी हैं और जेडे मरीजों वास्ते फ्री कैंप में लाने वाली दवाइया अरेंजमेंट कराया तो इन वालों असी अगे इन्हों खड़े रहेंगे तो जदों जदों भी पत्रकार एसोसीएशन राजपुरा जदों जदों भी साड़ी लोड़ पवेगी असी इन्हों तन मन धन नाल खड़े। अंत में पत्रकार एसोसिएशन द्वारा आए हुए मुख्य मेहमान विशेष मेहमानों डॉक्टरों की टीम सहित अन्य गणमान्य लोगों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी दिनेश सचदेवा News 89।
सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।